ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह, आपके लिए और ये भैया आपके लिए स्पेशल काली मिर्च वाली। काली मिर्च वाली? भाभी ने कहा तो मैंने बना दी। थोड़ा कम नहीं डाल सकती थी? बस 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 कीजिए, चुपचाप काली मिर्च की चाय पीजिए। आपके गले में खराश हो रही थी ना, इसीलिए मैंने बनवाई है। बाबा चलिए पीजिए। अरे लगता है केतन आया होगा। हाँ मैं देखती हूँ। किसी कुत्ते वुत्ते ने भगा दिया था क्या आपको, जो ऐसे पसीने पसीने होकर आ रहे हैं? आइए। नमस्ते भैया। नमस्ते। लाइए ये मुझे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ। अब किचन में रखते हैं। जी भाभी। कितना अच्छा है ना केतन, कभी भी कोई भी काम बोलो कभी मना नहीं करता। So sweet. इतनी सुबह सुबह भाग भाग कर जाने की क्या जरूरत थी, कह देते कि शाम को आऊंगा तो लेकर आऊंगा। तुम्हारे लिए तो ये सब करता हूँ, कब समझोगे तुम मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। हेलो, कहाँ खो गए तुम? नहीं नहीं बताओ क्या सोच रहे थे। अच्छा ये सारी सब्जियां ना प्लीज अच्छे से रखना, वरना भाभी आते ही ना मुझ पे ही चिल्लाएंगी। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? बताओ भी। है एक जिसके लिए मैं जीने मरने को तैयार। कौन है वो, कहीं तुम मेरा नाम मत ले लेना। चलो तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो किसी और से प्यार करती है, या कोई और भी है जो उससे प्यार करता है, तो तुम क्या करोगे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानता हूं वो सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। अरे अनन्या वो। हाँ भाभी। भाभी जी वो मैंने सारी सब्जियां यहाँ पे रख दी अच्छे से, चलता हूँ भाभी। नमस्ते। अच्छा चलो नवीन को प्लीज भेज देना, वो मेरे रूम का फैन खराब हो गया है। ना? अरे भैया। अरे वाह, लो ना। सुबह सुबह कहाँ गया था? बाबूजी वो बलदेव भैया के घर का कुछ सामान लाना था, वहीं गया था। नौकर समझ रखा है क्या उसने? बाबूजी आप भी ना, इतना हम लोगों को मानते हैं वो लोग, छोड़िए ना। अच्छा मेरा हो गया, मैं दुकान के लिए लेट हो रहा हूँ, ठीक है बाबूजी, ख्याल रखा। अच्छा नवीन। हाँ भैया। जाते जाते ना बलदेव भैया के घर चला जाना, उनके पंखे का कुछ प्रॉब्लम था, देखना क्या। ठीक है भैया, दुकान जाते जाते होते हुए चले जाओ। अरे सुन, अरे पैसे उसे तो देते होंगे नहीं, बस हर दो दिन पर कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। जाने दीजिए ना बाबू। क्या जाने तो, और तू भी सुन, उस घर में ज्यादा आने जाने की जरूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखा कर बस, वरना लोग कुछ का कुछ अर्थ निकालते हैं। ये जमाना बहुत खराब है। नवीन जी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। अब वो ननन जी के कमरे का फैन नहीं चल रहा। अच्छा मैं देख लेता। भाभी जी बलदेव भैया दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है वो? अरे वो खेत गए ना,
क्यों? मजदूरों से बात करने के लिए। अच्छा। वो कल से बुआई शुरू होनी है ना, इसलिए। अच्छा। ये देखो, ये बटन तो चालू है पर पंखा बंद है। अच्छा हाँ भाभी, मैं कर देता हूँ, है ना, अभी एक मिनट। अरे मैं गैस पे सब्जी चढ़ा के आई हूँ, मैं वो देख के आती हूँ, तुम किस। हाँ हाँ, यू डोंट वरी। हाँ बार बार बहाना करके बुलाना पड़ता है भैया। भाभी को कभी पता चल गया तो? बाहर मिलना भी तो खतरनाक है ना, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। देखो, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते। अच्छा बाय द वे, आगे क्या बहाना करने वाली हो तुम? कह दूंगी कि प्रेस खराब हो गई थी, कपड़े प्रेस नहीं हो पा रहे। तुम ना एक काम करो, कुकर मिक्सर ग्राइंडर ये सब ठीक करना सीख लो, फिर मेरे पास रोज बहाना होगा। इतनी स्मार्ट हो गई हो तुम। अरे वाह, ठीक हो गया? हाँ, अंदर से वायरिंग का इशू था, लेकिन अभी हो गया, देखिए चल रहा है ना। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा मैं चलूं? अले भैया नमस्ते। नमस्ते। मैं क्या बोल रहा हूँ, घर की ना वायरिंग अब आप चेंज करवा ही लीजिए, रोज रोज फॉल्ट निकलेगा, क्या फायदा। वैसे पंखा मैंने सही कर दिया है ना भाभी, क्यों? हाँ देखा मैंने। ठीक है भैया, नमस्ते। थैंक यू नवीन जी। यू वेलकम भाभी, थैंक यू। क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।